हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मैं अमर जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650, जिसको शेरपा मॉडल जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। दोस्तों, ये जो मॉडल है ना, बहुत पहले से जो है इसका न्यूज़ एंड अपडेट मिल रहा है। ये कोई नया डिटेल नहीं है, इसके पहले भी हमने बहुत बार जो है हिमालयन 650 के बारे में जो है सुना हुआ है। यह ऑलमोस्ट 2018 के स्टार्टिंग से जो था कुछ डिटेल इसकी आना शुरू हो गई थी कि 650 cc में जो है हिमालयन आएगी, एंड वी एक्सपेक्ट कि 2020 तक जो है मॉडल आ जाना चाहिए था, बट बहुत सारे डिलेज जो इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। इसकी जो एक्चुअल फुटेजेस है, स्पाई इमेजेस इसलिए नहीं देखने मिल रही बिकॉज ये इंडियन रोड पे भी टेस्ट नहीं हो रही है। अगर ये चेन्नई फैसिलिटी में जो है, रॉयल एनफील्ड का जो तमिलनाडु फैसिलिटी है, अगर वहाँ पर अगर टेस्ट हो रही होती तो कोई ना कोई टेस्टिंग या इमेज जो है आपको देखने में मिलती। बट ये जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि ये जो है यूके फैसिलिटी जो है रॉयल एनफील्ड की, वहाँ जो है ये टेस्ट हो रही है, बिल्ड हो रही है, इसके वजह से जो है यहाँ इंडियन रोड पे इसकी जो कोई भी इमेजेस जो है नहीं देखने में मिल रही, एंड ये जल्दी जो है इंडियन मार्केट में आएगी। अभी डेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। प्राइस जो है वो एज्यूम किया जा रहा है कि प्राइस जो है इसका 4 लाख के आसपास जो है कहा जाएगा। बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है इक्विप्ड रहेगी। एंड दोस्तों, वैसे भी आपको मालूम है कि हिमालयन का भी ना अभी मार्केट जो है कॉम्पिटिशन आ गया है। पहले क्या एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक कहा जाता था इसको, हिमालयन को, बट अभी जो है KTM भी आ चुकी है 250 cc में, उसके 390 cc मॉडल भी आ रहा है, अभी उसका 790 cc मॉडल भी आ रहा है KTM का ही, एंड BMW के भी जो है 310 मॉडल जो है GS का वो भी है। तो अभी बहुत सारी जो है एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक जो है बन चुकी है। दोस्तों, अगर बात की जाए करंट मॉडल के बारे में, जो कि 411 cc का SOSA इंजन मॉडल है, जो कि एयर एंड ऑयल कूल है, 24.3 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 32 Nm का टॉर्क देता है। डिसेंट परफॉर्मेंस जो है रोड पे मिल जाती है, थ्रोटल रिस्पांस भी सही है। बट अगर आपको एक्सट्रीम पावर चाहिए, एक्चुअल में लगे कि थ्रोटल में परफॉर्मेंस एक्चुअली बाइक चाहिए ना, तो दोस्तों 650 cc का अगर पैरेलल ट्विन मोटर जो है अगर इस चेसी में बॉडी में डालता है, जिसके साथ में एडवेंचर अगर मॉडल बनता है, तो दोस्तों ये मॉडल सही में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि 47 bhp पावर एंड 52 Nm का टॉर्क, मतलब इसके साथ में जो है जो हिमालयन मॉडल जो है जिसको शेरपा कहा जा रहा है वो एक्चुअल में ही जो है आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। इससे कंपटीशन जो है मार्केट में उतना नहीं रहेगा, बिकॉज आपको मालूम है कि 650 cc इंजन के बाद में बहुत सारे जो हैं दूसरे जो कंपनीज की बाइक सेलिंग जो थी ना रुक गई थी, जो कि 650-700 cc के आसपास में थी। तो दोस्तों, बहुत लोग ये पूछेंगे इसका नाम शेरपा क्यों दिया गया, तो दोस्तों शेरपा नाम जो है वो भी हिमालयन के माउंटेन से ही लिया गया है। एक ग्रुप था तिब्बतियन एथनिक ग्रुप, उसका नाम जो था शेरपा कहा जाता था, तो वहाँ से जो है ये नाम लिया गया है। जब रॉयल एनफील्ड ने ये नाम रजिस्टर किया ना, तो बहुत लोगों को आइडिया हो गया कि ऐसी कोई बाइक आने वाली है हिमालयन के जैसी, जो कि जल्द ही मार्केट में देखने वाली है। तो इसलिए अज्यूम किया जा रहा है कि जो 650 cc मॉडल का नाम होगा ना, वो शेरपा दिया जाएगा, क्योंकि हिमालयन नेम भी हिमालयन से ही लिया गया था, हिमालय से ही लिया गया था। आई होप दोस्तों आपको ये मॉडल बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप इस मॉडल का वेट कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दोस्तों, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका 650 हिमालयन को लेके, वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट प्रूफ। ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।